सो गाइज, मेरा फ्लावर ऑन जिसका नाम लियो है, वो हेक्सामीटा से सफ़र कर रहा था। हेक्सामीटा एक टाइप ऑफ इंटरनल पैरासाइट है जिसकी वजह से आपका फिश वाइट पूप करने लग सकता है या फिर फीडिंग एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं हेक्सामीटा के। एक्सट्रीम कंडीशंस में हेक्सामीटा से आपके फिश की डेथ भी हो सकती है। लियो अभी बिल्कुल ठीक है जैसे आप देख सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं लियो का ट्रीटमेंट मैंने कैसे किया और इसी के साथ अगर आपका फिश वाइट पूप कर रहा है या फिर फीडिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम टू गंधार जैक वर्ल्ड। और आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट फॉर हेक्सामीटा इन फ्लावर ऑन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हेक्सामीटा एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो मेनली आपके जो फिशेज के इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें पहले से ही प्रेजेंट होता है, मतलब हमेशा से प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रहता है। और जब भी आपके फिश की इम्यूनिटी वीक हो जाती है या फिर आप फिश को ओवर फीडिंग करते हो तो ये जो हेक्सामीटा पैरासाइट है इसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बढ़ जाता है आपके इंटेस्टाइन में फ़िश के। इसकी वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। इनिशियली आपका फ़िश वाइट पूप करेगा, बाद में फीडिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर कलर उसका फेड हो जाएगा, किसी कॉर्नर में बैठा रहेगा। और एक्सट्रीम कंडीशन में अगर बहुत सारे दिनों तक ये चलता रहा तो होल इन दैट डिसीज़ जो आपको पता है फिश में होता है वो भी हो सकता है उसके, और इसके बाद डेथ होती है बहुत सारे फिशेस की। स्पेशली फ्लावरॉन्स बहुत ज़्यादा मरते हैं हेक्सामीटा की वजह से। फ्लावरॉन का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है हेक्सामीटा की वजह से। सो हेक्सामीटा प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने फिश का डीवर्मिंग करना चाहिए रेगुलरली। डीवर्मिंग से डेफिनेटली जो भी इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उससे आपका फिश फ्री हो जाता है, पैरासाइट फ्री हो जाता है और ये सब हेक्सामीटा या फिर वाइट पूप ये सब डिसीज आपके फिश को नहीं होगा अगर आप रेगुलरली डीवर्मिंग करोगे। एक्चुअली ये जो हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं हेक्सामीटा का वो एक्जैक्टली सेम डीवर्मिंग की तरह ही है, डीवर्मिंग ही करने वाले हैं हम बेसिकली। सो डीवर्मिंग पे एक्चुअली मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया है, वो भी बहुत ही इफेक्टिव है डीवर्मिंग करने का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसमें मैंने हेक्सामीटा के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताया। सो वो वीडियो आप डेफिनेटली चेकआउट करना। लेकिन मेट्रोनिडाजोल से एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, क्योंकि ये सब टैबलेट परचेस करना पड़ता है उसको डिजोल्व करना, और एग्जैक्टली ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं होता क्योंकि वो जो टैबलेट्स है वो फिश के लिए नहीं बने होते, वो जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं या फिर ह्यूमंस के लिए होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं, तो फिश के लिए स्पेशली वो बने नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे ट्रीटमेंट करना। आज जो हम मेथड फॉलो करने वाले डीवर्मिंग का या फिर हेक्सामीटा के ट्रीटमेंट का वो बहुत ही ईजी मेथड है। हम एक मेडिसिन यूज़ करेंगे जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कितना मेडिसिन ऐड करना है, कितने लीटर के लिए, और बहुत ही ईजी टू यूज़ मेडिसिन और बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने खुद यूज़ किया है और रिजल्ट आपके सामने होगा। सो जो मेडिसिन मैंने यूज़ किया है ट्रीटमेंट के लिए उसका नाम है वर्म आउट फ्रॉम एक्वेटिक रेमेडीज़। एक बहुत ही इफेक्टिव फिश डीवर्मिंग फॉर्मूला है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सो आई थॉट आपके साथ भी ये शेयर करना चाहिए। ये बेसिकली 60 ml की बॉटल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया होता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, कितना आपको मेडिसिन ऐड करना है। एक्चुअली वर्म आउट से ट्रीटमेंट के दो मेथड्स हैं। एक तो आप टैंक वाटर में ऐड कर सकते हैं वर्म आउट, या फिर जो सेकंड मेथड है उसमें आप फीडिंग के थ्रू आप मेडिकेट कर सकते हैं अपने फिश को, मतलब जो आपके फिश के पैलेट्स हो गए या फिर फूड होगा उसे वर्म आउट मेडिसिन में सोक करें और उसके बाद उसे फीड करें। तो बेसिकली जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो में वो है टैंक वाटर में ऐड करने वाला मेथड, वही ईजिएस्ट मेथड होता है। और अगर आपका फिश हेक्सामीटा से सफ़र कर रहा है तो मोस्ट केसेस में वो फीडिंग नहीं लेगा, तो उस सिचुएशन में ये जो टैंक वाटर में ऐड करने का मेथड है वो बेस्ट है। सो हमें 10 ml वर्म आउट मेडिसिन 100 लीटर्स के लिए ऐड करना है। सो जो भी आपका टैंक वॉल्यूम होगा उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 लीटर के लिए 10 ml सॉल्यूशन ऐड करना है। मेरा टैंक अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर्स ही है, तो मैं यहाँ पे 10 ml यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ आपको ये जो कैप मिलता है, एक मेजरिंग कैप मिलता है जिसपे सब मेंशन होता है 1.25 ml, 5 ml, 10 ml, इसलिए इससे आप इजीली मेडिकेट कर सकते हैं अपने फिश को। तो यहाँ पे मैं 10 ml यूज़ करने वाला हूँ। 10 ml वर्म आउट मैंने लिया है और इसे सीधा आप अपने टैंक में डाल सकते हैं। और अगर आपके टैंक में कोई केमिकल फिल्ट्रेशन मीडिया है जैसे एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह तो उसे आप रिमूव करें ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग, क्योंकि चांसेस होते हैं कि केमिकल मीडिया जो आपके मेडिसिन है वो सब अब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए जब भी आप फिश कोई भी फिश को ट्रीट करते हैं तो केमिकल मीडिया आप हमेशा हटाया करें। सो यहाँ पे हमने लिया है 10 ml वर्म आउट जो हम लियो के टैंक में ऐड करने वाले हैं।
बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस आपको कैलकुलेट करना है कितना मेडिसिन आपको ऐड करना है और उतना मेडिसिन आपको सीधा टैंक में ऐड कर लेना है। और ये एक सस्पेंशन होता है, इसलिए इसे बॉटल को आप बहुत ही अच्छे से तरह से शेक करें, उसके बाद ऐड करें, और इसके बाद वाटर आपका क्लाउडी हो जाएगा तो इट्स नेचुरल, कोई भी टेंशन मतलब, या फिर थोड़ा सा मतलब फ्रॉथ भी आ सकता है, या फिर थोड़ा सा ऐसा बबल्स वगैरह आ सकते हैं सरफेस पे, तो ये पूरा नेचुरल है, कोई भी टेंशन मतलब ये होता है। और वाटर आपका क्लाउडी हो रहता है पहले कुछ टाइम के लिए। सो ये मेडिसिन ऐड करने के बाद आपको एक ध्यान में रखना है कि आपके फ़िश को 24 आवर्स तक कुछ भी फीड नहीं करना है, 24 आवर्स तक उसे स्टार्व करना है, और 24 आवर्स के बाद आपको उसका वाटर चेंज करना है। तो ये 24 आवर्स हो गए और हम 30-40% वाटर चेंज करने वाले हैं अभी, मैंने एक्चुअली 30-40 से ज़्यादा किया है। 7 डेज़ के बाद आपको यही प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मेडिसिन आपको वाटर में ऐड करना है, 24 आवर्स के लिए कुछ भी फीड नहीं करना है आपके फिश को, और फिर 24 आवर्स होने के बाद वाटर चेंज करना है एक बार, और फिर यू आर डन। ये दो बार करने के बाद जो भी डिवर्मिंग प्रोसेस होती है वो पूरी तरह कंप्लीट होती है, और इससे एग्जामिटा डिसीज़ भी डेफिनेटली क्योर हो जाएगा। मेरे लियो का वाइट पूप का प्रॉब्लम 2 ही दिन में सॉल्व हुआ था, इससे बिल्कुल अच्छे से फीडिंग ले रहा था और रेगुलर पूप कर रहा था वो। सो ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे आप एग्जामिटा ट्रीट कर सकते हैं और इसके साथ अपने फिश को डिवर्म कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप अपने फिश को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप ये डिवर्मिंग प्रोसेस ट्वाइस अ ईयर करो, मतलब 6 महीने के बाद फिर से ऐसा प्रोसेस रिपीट करो। कुछ भी अगर सिम्टम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी ये डिवर्मिंग प्रोसेस करना चाहिए जिससे फ्यूचर में कभी भी आपके फिश को ये एग्जामिटा का प्रॉब्लम या फिर होल इन दैट डिजीज़ वो सब नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।